आशिक भाई, आप एनएसडी पास आउट हैं जी, थिएटर का योगदान कितना है आपकी, आप अपनी लाइफ में जब देखते हैं तो आपको एनएसडी से कितना फायदा मिला और आप कितना अच्छे तरीके से सीख कर आप अप्लाई कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बम्बई में बैठा हूँ तो ये थिएटर के बजा कर ही बैठा हुआ हूँ। ना मैं रंगमंच से जुड़ता, ना मुझे पता चलता कि एक्टिंग नाम की कोई चीज़ होती है, नाटक इस तरह से करते हैं। तो चलना तो रंगमंच ने ही सिखाया है। बिल्कुल, भले आप कैमरा के सामने चल रहे हैं, इसके पहले स्टेज पर चलना, ऑडियंस के सामने खड़ा होना भी उसी ने सिखाया है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देखा जाए तो आपको एक लिटरेचर और साहित्यिक पक्ष जो है रंगमंच का, उसको विराट लेवल पे सिखाती है। वहाँ देखने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है। एक लोकल लेवल पर आप नाटक तो कर रहे हैं, लेकिन एक नाटक के पीछे भी कितना कुछ है, और ये कहीं ना कहीं से एक सौभाग्य की बात है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो मैंने 3 साल में सीखा है, मतलब तो इसको कोई भी अभिनेता तो नकार ही नहीं सकता कि जो 3 साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपके जीवन में देता है, वो सारी जिंदगी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर काम आती है, क्योंकि वो एक शक्ति है आपके अंदर। तो रंगमंच की ताकत ही है जो मुझे यहाँ पर खड़ा की भी है। अभी आपने सीखने सीखने की बड़ी कई बार आपने बोला, लेकिन आजकल के जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको सीखने की जरूरत ही नहीं है। बोलते हैं मैं तो एक्टर हूँ, क्या जरूरत है सीखने की, और तुरंत वो जो है ना कि क्विक शॉर्टकट से मैं तुरंत बन जाऊँ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो नए एक्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं? देखिए, हमारा जहाँ तक जो अनुभव है, कोई भी चीज आप बिना सीखे तो नहीं कर सकते। वो लोग जो बोलते हैं कि मेरे अंदर सब कुछ है, चलिए हो सकता है, लेकिन वो फिर बहुत लंबे रेस के घोड़े तो नहीं होंगे। एक समय के बाद फिर वो उनको सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्टिंग में आपको सीखना ही है और निरंतर सीखना है, जीवन भर सीखते रहना है, क्योंकि हर दिन जीवन बदल रहा है, हर दिन परिस्थितियां बदल रही हैं, हर क्षण आपकी सांसें बदल रही हैं, आपके इर्द गिर्द लोग बदल रहे हैं, लोगों के साथ मिलने का व्यवहार बदल रहा है, और ये सब अकॉर्डिंग टू अलग अलग, जो बॉम्बे में लोगों का एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है वो गांव में नहीं होता, वो कस्बाई इलाकों में नहीं होता। तो ये सारा कुछ आप, अगर मैं एक भाषा में बात करूं दो शब्दों में, तो आज जो भी व्यक्ति जितना कर पा रहा है वो उतना ही कर पा रहा है जितना उसने अभी तक ऑब्जर्व किया। आशिक भाई, रिजेक्शन बहुत लोग परेशान होते हैं, यार उसके बारे में कुछ प्रकार? हमारे फील्ड में इस शब्द से आप बच नहीं सकते। क्या बात है, बिल्कुल। द मोमेंट यू एंटर इन बॉलीवुड और इन फिल्म इंडस्ट्री और इन एक्टिंग इन थिएटर एनीवेयर, रिजेक्शन सिर्फ सिनेमा में नहीं है, हर जगह, थिएटर में भी है, फुटबॉल क्रिकेट में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, आजकल तो राजनीति में भी है, कहीं नौकरी लेने जाओ वहां में भी है, हर जगह पर है, हर जगह पर है। क्योंकि आजकल आप जहां हो आपके साथ 10 लोग और हैं, तो आपको बेस्ट बनने की कोशिश करना है, बाकी काम ब्रह्मांड करेगा। लेकिन रिजेक्शन आपको शक्ति देती है काम करने की, आगे बढ़ने की। रिजेक्शन आपको रोकती है कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है, क्यों नहीं हुआ मेरा, यहां पर हमने तो इतना अच्छा दिया था। तो आप और अपने ऊपर काम करते हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि अगर हम 20 प्रोजेक्ट में ऑडिशन देते हैं तो चांसेस है कि किसी 2 में होगा, 18 में तो रिजेक्शन होगा ही। लेकिन रिजेक्शन हमेशा आपको कुछ बेहतर बनने की, मतलब सफलता के पहले जो असफलता की सीढ़ियां हैं उसमें ये रिजेक्शन एरियाज को आना ही आना है। बस आपको हमेशा ये रखिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। करके हाँ। रिजेक्शन जो है वो आपके लिए एक टॉनिक का काम कर रही है। लोग कहते हैं ना कि बॉडी में विटामिन बी, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम की गोली खाता है आदमी, प्रोटीन कम है तो प्रोटीन की खाता है। इसलिए एक एक्टर अपने को लगातार इम्प्रूव करता रहे, उसके लिए रिजेक्शन जो है वो आपको एक ट्रिगर पॉइंट देता है कि भाई मैं रिएक्ट हो रहा हूँ यार, मैं कैसे रिजेक्ट हो सकता, इसको पॉजिटिव लो आप। हाँ, मुझे और मेहनत करनी है, कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर आप सोचते हैं क्यों रिजेक्शन, उसका क्यों हुआ,